आज सुबह का अखबार देखते ही उसके अंदर देखा कि हमारे सीकर के बच्चे दो बिल्कुल टॉप के ऊपर है जो सीकर की कोचिंगों से ही निकले हुए हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा मैं यहाँ सी पहुंच गया गए इन बच्चों से मिलने के लिए मेरे साथ दोनों बच्चे हैं तो आर्यन आप कहाँ से हैं सर मैं जयपुर जयपुर से हूँ सर रामगढ़ से जगदीश कुमार जगदीश जी मैंने ये अभी देखा कि आपके स्कूल में भी बात की कि आप 79 परसेंट थे तो आपने फिर पीएमटी का कैसे सोच लिया मैं सर 11, ट्वेल्थ मैंने अलवर सी एल सी से की है तो घर से आना जाना मतलब तो नहीं बात वो नहीं है ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के पचानवे परसेंट आ गए छियानवे परसेंट आ गए तो वो सोचते हैं कि हम पी पास कर लें सेवेंटी नाइन वाला तो सोचता है यार मैं तो पास तो होऊंगा नहीं तो, आप, तो आपने कैसे हिम्मत कर ली वो तो, तो सर टीचर्स की मेहरबानी हो टीचर्स ने बताया मतलब आपको मोटिवेट किया है यहाँ पूरा है सर मेरा तो शुरू से ही डिसाइडेड था टेंथ से ही मतलब पेरेंट्स ने बता दिया था बोले इलेवंथ में सी में जाना है वहाँ से प्रिपरेशन करना है अच्छा सीकर तो तो के अंदर सबसे टॉप करके आपको कैसा महसूस हो रहा है सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब अपनों को प्राउड फील करवा रहे हैं जैसे वो सर है सी एल सी में बॉस वगैरह है सबको प्राउड हो रहा है हम पे तो हम खुश होते हैं वो अलग बात है हमारी वजह से कोई और खुश होता है अपने खुश होते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से तो आप यहाँ सी सी में कब से हैं सर मैं इलेवेंथ से हूँ इलेवन ट्वेल्थ और एक साल मैंने टारगेट किया ट्वेल्थ के साथ मेरी एज नहीं थी एज कम थी मेरी तो मैं नहीं दे पाया था एग्ज़ाम तो मैंने इस साल दिया और क्रेक किया सर तो आप तो बाहर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था आप हॉस्टल में रहें हाँ सर हॉस्टल में हॉस्टल की व्यवस्था मतलब एकदम उत्तम व्यवस्था है सर यहाँ जैसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी हमको लग रहा है आगे कॉलेज में भी नहीं मिलेगी इतना डिसिप्लिन और मतलब इतना साफ सफाई से रखते हैं जितना देखो आर्यन मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ और हमारे ज़माने के अंदर हमारा जो हॉस्टल था यहाँ सीकर में उसकी दाल बहुत बढ़िया बनती थी हॉस्टल की दाल आज भी याद है तो क्या आपको भी यहाँ की दाल कैसी लगी सर यहाँ की दाल वगैरह सब मस्त है सर मतलब खाना एकदम अच्छा देते हैं टेस्ट में कोई कमी नहीं है सबके टेस्ट के हिसाब से बनता है खाना और कभी ऐसे नहीं होता कि बोले ये सब ये अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा सब बहुत अच्छे से बनाते हैं तो ये देखिए हमारे सीकर के अंदर जो कोचिंग हब बना हुआ है उसके बच्चे टॉप के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ सर के बारे में बताएंगे आप सर के बारे में क्या बताएं आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे सर यहाँ पे बॉस के नाम से सब जानते हैं उनको और वो एज अ बॉस मतलब है तो ऐसे नहीं कि बॉस है घर पे बैठे हैं वो मतलब सबसे ज़्यादा काम करते हैं पूरी सीएलसी में पीओन भी इतना काम नहीं करता होगा जिससे ज़्यादा मेहनत हमारे सर करते हैं टीचर से सबसे ज़्यादा मेहनत सुबह आते हैं रात को लेट तक जाते हैं और पूरे दिन बहुत अच्छे से काम देखो यहाँ पर साढ़े चार हज़ार बच्चे हैं तो क्या व्यक्तिगत तौर पर सरवण जी एक बच्चों से जानते हैं वो साल में तीन चार बार मिल लेते हैं सबसे अच्छा सबसे उनका एक आत्मीयता वाला रिश्ता है मतलब एक दो वीक देते हैं पूरे टाइम सुबह से लेकर रात तक बच्चों से मिलते हैं उनसे बात करते हैं उनके परफॉर्मेंस सीट देखते हैं उन पर साइन वगैरह करते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं सर तो आप दोनों सीकर डिस्ट्रिक्ट के बाहर के हैं तो आपने सीकर को ही क्यों चुना सीकर को सर बोस का नाम सुना था सी का नाम सुना था बहुत अच्छे और रिलेटिव है, मेरे रिलेटिव हैं मेरे मामा सर्वेश सर वो यहाँ पे हैं तो उनके कहने पे मैं और यहाँ का रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया था और उससे बेटर था तो बेटर को पसंद करेंगे और आप मैं सर एलेवन ट्वेल्थ वहाँ अलवर सीएलसी से था तो सीएलसी को पहले से ही जानता था इसलिए यहाँ मेन ब्रांच है इसलिए यहाँ गए सीकर तो अलवर से यहाँ मेन ब्रांच के अंदर आ गए आप तो अब आपको ये पीएमटी के अंदर ये आज अखबार के अंदर ये फोटो देख करके कैसा फील हो रहा है सर प्राउड तो फील हो ही रहा है परिवार वालों को हमारे ऊपर थोड़ी गाँव तो, तो दोस्त दोस्तों पर रोब पूरा लग गया होगा है रोब की क्या बात है सर इसमें दोस्त दोस्त बधाई से व्हाट्सएप भरा नहीं भरा नो सर सोशल मीडिया पर अभी एक्ट सोशल मीडिया पे नहीं हो अभी नहीं हों अब आप आगे मेडिकल के लिए जॉब जाओगे तो वहाँ पे आपको सीएलसी के तो कई बच्चे मिलेंगे तो आपको तो एक तरह से घर जैसा लगेगा कि आप तो सीएलसी में ही हो या वो कॉलेज का सा कोई फील आएगा वैसे सर आते हैं हमारे सीनियर जैसे जो पहले सेलेक्टेड है वो आते हैं या सी में स्पीच वगैरह देते हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत मिल जाएंगे जिस भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल ये मतलब रोमांस हो गया कि जो भी है हम कोई अनजान जगह नहीं जा रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे अपने जान पहचान के लोग ही हैं और टॉप कॉलेजों में भी गए हैं बच्चे बहुत तो ऐसे लगेगा नहीं कि जैसे किसी अनजान जगह गए हैं आपको क्या लगता है कि अब पुराने जो आपको स्टूडेंट्स हैं वहाँ आपके रूम की व्यवस्था करवा देंगे और भी आपको कई तरह की हेल्प मिलेगी हाँ सर काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे टॉप कॉलेजेस में वगैरह बहुत तो अच्छे से कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे थे तब भी करते थे वहाँ गए तब तो ऑब्वियसली करेंगे कि घर का व्यक्ति आ रहा है नहीं एक बात बताइए जो सीएलसी के जो पुराने स्टूडेंट निकले हुए हैं जो अभी मेडिकल कर रहे हैं वो जब आप लोगों से यहाँ मिलने आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा रहता है काफ़ी पोलाइट रहता है बहुत ज़्यादा फ्रेंक रहता है बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि अपने छोटे भाई बहनों का भी हो जाए साथ में अपना भी नाम हो उनका भी नाम हो सब कुछ अच्छे से अच्छे खेलेंगे तो आप लोगों को तो ये लग रहा होगा कि बस एक सी के इस कैंपस से निकले और एक दूसरे बड़े कैंपस में पहुँच गए यस सर मतलब थोड़ा सी एल सी कैंपस तो लेकिन ऐसे लगेगा कि जैसे किसी जानकार के पास ही आए घर का सा माहौल ही लगेगा सर सी एल सी परिवार कोई इस बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है सर बहुत बड़ा है आप चेक कर गया वो पता चल जाएगा हर जगह इनकी जड़ें हैं इसे देखो अब मेडिकल कॉलेज के अंदर तो क्या दिनचर्या होगी वो तो आगे की बात है लेकिन अभी तक जो आपकी यहाँ पर क्या दिनचर्या रहती थी दिनचर्या मतलब टाइम टेबल पूरा फिक्स ही था हमारा अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा तो अपन कुछ कर नहीं पाएंगे समय से नहीं कितने बजे उठते थे और क्या क्या, क्या कैसे कार्यक्रम सुबह उठते थे साढ़े पाँच बजे से सर फिर नादो के तैयारों के कोचिंग आ जाते थे सात बजे चालू हो जाती थी कोचिंग फिर यहाँ से जाते थे दो बजे खाना वाना खा के सोते थे साढ़े तीन बजे उठते थे सर फिर पढ़ते थे सात बजे तक फिर वापिस आठ से लेकर एक बजे तक तो पढ़ाई के लिए ओवरऑल कितना कितने घंटे का स्पेंड होते हैं पाँच से छः घंटे डेली और आपकी आपकी भी यही दिनचर्या? हाँ हमारा सी हॉस्टल था तो सात फ्रेंड्स रहे हैं मायना रखता है सलेक्शन तो इस बार आप तो दोनों सीकर के जितनी कोचिंग है उनके अंदर आपने टॉप किया है लेकिन यहाँ से और पीएमटी में कितने लोग क्लियर हुए हैं सर लगभग पाँच से साढ़े पाँच सौ करीब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पिछली बार साढ़े चार सौ होते तो बढ़ गया आंकड़ा पचास आठ दिन और बढ़े हैं घटे नहीं है सर हर साल बढ़ रहे हैं यहाँ पे मतलब सी एल का रिजल्ट ऐसा है, है मतलब कभी कम नहीं होता हर साल इंक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज वो, वो नहीं इस बार कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पी में अप्रोक्स फाइव हंड्रेड फिफ्टी सर से डॉक्टर बन जाएंगे एवरी टेंथ स्टूडेंट ऑफ द सी एल सी विल बिकम कम डॉक्टर सर तो देखा आपने एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चे तो सिर्फ हमारे सीकर के सी सी से जो कोचिंग करके निकलते हैं बच्चे वो सेलेक्ट हुए हैं सीकर की कोचिंग की सबसे खास बात यह है कि अभी जैसे मैंने बच्चों से बात की ये कहते हैं कि सर से हमारा डायरेक्ट कनेक्ट है मतलब एक आत्मीयता है जो टीचर्स और छात्रों के बीच में एक आत्मीयता है यहाँ के टीचर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो और यही भावना इनकी जो मूल के अंदर यही भावना है जो सफलता का इनका राज है यहाँ का सीकर का तो आप भी, भी यदि अपने बच्चे को किसी भी कोचिंग के अंदर डाल रहे हैं चाहे सीकर डालें या कहीं भी डालें तो आप ये चीज़ें जरूर देखें कि वहाँ पे टीचर्स और बच्चों के बीच में कैसा व्यवहार है वहाँ का मैनेजमेंट बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करता है उनके अंदर बीच में आत्मीयता का भाव है या नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफलता का जो पैमाना है वो आत्मीयता का भाव ही होता है आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ हम फिर इसी तरह से जो बच्चे सक्सेस हुए हैं उनके बारे में आपका और परिचय करवाएंगे धन्यवाद